ग्वालियर विधानसभा के बीएसपी के प्रत्याशी हरपाल मांझी ने अपने मित्र और सलाहकारों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उपचुनाव में बीएसपी ग्वालियर चंबल में ज्यादा जोर लगा रही है। ग्वालियर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरपाल मांझी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। कोरोना संक्रमण के चलते नामांकन कक्ष में सिर्फ प्रत्याशी के साथ समर्थक और प्रस्तावक को ही जाने की अनुमति है। बीएसपी के प्रत्याशी हरपाल मांझी का कहना है कि जो जनता के मुद्दे हैं वही मेरे मुद्दे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से जनता परेशान हो गई है। इनके पहले खुद के काम होने चाहिए, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये पहले कांग्रेस में थे तो बीजेपी को गाली देते थे, अब बीजेपी में आ गए हैं तो कांग्रेस को गाली देते हैं। भाई जो जनता के मुद्दे हैं जो मेरे मुद्दे हैं, और क्या है कि जनता इस टाइम पे आप मालूम है कि इनसे बहुत त्रस्त हो गई है, कांग्रेस और बीजेपी से, क्यों? इनका तो काम, इनका खुद का पर्सनल काम होना चाहिए, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। क्यों कि अभी क्या है, पहले जो कांग्रेस में थे तो बीजेपी को पानी कोस कोस के गाली बकते थे, अब आ गए कहाँ में बीजेपी में, तब कांग्रेस को दे रहे हैं। तो पार्टी कोई खराब नहीं होती है, खराब तो व्यक्ति होता है। भाई आपने जनता को भेज दिया, आप जनता को क्या, आप जिस कोई चुनाव का बोझ था, चुनाव पर जनता का बोझ पड़ रहा है, कर्मचारियों पर बोझ पड़ रहा है, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, 5-5 दिन की तनख्वाह काटी जा रही है। तो जितो साहब, इन लोगों की मेहरबानी है कांग्रेस बीजेपी की। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।